to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। कांगड़ा जिले के परागपुर क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पिछले दिनों परागपुर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए लागत की जिस पेयजल योजना का उद्घाटन किया था, उससे अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यह आरोप जसवा के विधायक निखिल राजौड़ ने लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। इस टाइम पानी का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। सीएम साहब उद्घाटन तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज भी जो है, जैसे आज एग्जाम्पल्स बता देता हूँ मैं आपको। आज मेरे को फ़ोन आए हैं, मलोट से आ रहे हैं, बनेड़ पंचायत से आ रहे हैं, उजे खास पंचायत से आ रहे हैं, बाड़ी पंचायत से आ रहे हैं, हर पंचायतों से। इनसे इधर की भी कई पंचायतें ऐसी हैं जो परागपुर साइड की पंचायतें हैं, जिनमें पानी की जो तीसरे चौथे दिन दिया जा रहा है, और वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोग इस टाइम। और फिर सरकार ने इस बार हुआ है कि ये शायद मेरे को किसी से ये पता लगा है अनऑफिशियली कि ये ऊपर से सीएम साहब के ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस की टैंकर ना लगाए जाए, ये शो करने के लिए कि हमारा जो प्रदेश है उसमें पानी की बहुत बड़ी अच्छी सिचुएशन है, जो कि ग्राउंड रियलिटी पे ये नहीं है। और इस बार जो हुआ है कि टैंकर्स तक नहीं दिए गए और लोग पानी को तरसते जा रहे हैं। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली बोर्ड बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर में प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि बोर्ड कर्मियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो 10 जुलाई को शिमला में बोर्ड मुख्यालय के सामने हल्ला बोल रैली की जाएगी। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह के नेतृत्व में यूनियन ने बिजली बोर्ड बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली बोर्ड की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है और इसे बोर्ड कर्मियों के भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदेश स्तर पे बिजली बोर्ड बचाओ अभियान शुरू किया है। बिजली बोर्ड बचाओ अभियान का मुख्य मकसद यह है कि बिजली बोर्ड पिछले 40 सालों से रन कर रहा है। पिछले 40 सालों में बिजली बोर्ड का घाटा 300 करोड़ को पार नहीं कर पाया है, लेकिन पिछले 2 साल में बिजली बोर्ड का घाटा 1400 करोड़ को पार कर चुका है और औसतन 165-170 करोड़ रुपए का लॉस बिजली बोर्ड को हर साल होने जा रहा है, जिससे बिजली बोर्ड जो है निजीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। घाटे का मुख्य कारण ऊंची दरों के ऊपर बिजली खरीदना, सस्ती दरों पर बिजली बेचना, जिसमें 1.10 रुपए पर यूनिट बिजली बोर्ड को लॉस हो रहा है। प्रदेश भर में इस समय विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। चुनावी वर्ष में यह स्थिति सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। जैविक खेती और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वीरवार को शिमला में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल शुरू किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव सुदीप्त राय ने इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस फेस्टिवल में राज्य भर के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल में बिना किसी दवा का प्रयोग किए गए जैविक विधि से तैयार उत्पादों को लाया गया था। इनमें कई ऐसे उत्पाद भी थे जो विलुप्ति के कगार पर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन्हें बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस बाबत यहां आए एक किसान ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तैयार किए गए इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस ओर प्रयास करने की मांग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो हमारे पास प्रोड्यूस है उसका सही मूल्य हमको नहीं मिल सकता है। सही मूल्य ना मिलने की वजह से हमको बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। हमारा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जितनी भी मार्केट, चाहे लोकल मार्केट भी है, वहाँ पर ये आदेश हो कि एक दुकान तो कम से कम जैविक की खुल बनाई जाए, ताकि हम वहाँ जाके ताकि लोगों को जैविक का मतलब यूज करके वो अनुभव कर सकें कि इसमें और इसमें क्या अंतर। वही किसान ने बताया कि जैविक विधि से उत्पाद तैयार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कीटनाशकों के प्रयोग से कम हो चुकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के विभिन्न स्थानों पर जैविक उत्पादों के लिए अलग काउंटर स्थापित करने की मांग की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उत्पादों का सही मूल्य मिल पाए। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारी जो डिमांड तो बहुत है, लेकिन इसका मार्केटिंग के लिए सरकार कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोकल कलेक्शन सेंटर वहाँ पे किए जाएं। जैसे बुशहर के दूर दराज इलाकों से ये माल आता है, लेकिन ले तो आते हैं वो लोग, लेकिन कलेक्शन सेंटर है नहीं, इसलिए हमको औने पौने दाम पर ये माल बेचना पड़ता है। इस बाबत कृषि विभाग के निदेशक जेसी राणा ने बताया कि इस फेस्टिवल का मकसद राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देना और इनके उत्पादों को विपणन की सुविधा प्रदान करना है। इसके साथ ही जैविक खाद और जैविक दवाओं को भी एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा पर्पस इस मेले का बेसिकली हमारे किसानों में, लोगों में ऑर्गेनिक के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हिमाचल सरकार ने पहले ही अपनी पॉलिसी जो है ऑर्गेनिक की वो डिक्लेयर कर दी है। पिछले दिसंबर 2011 में हिमाचल ऑर्गेनिक पॉलिसी हमारी सरकार ने अप्रूव की है, और उसी के अनुरूप जो किसानों में जागरूकता पैदा करनी, किसानों को इस बारे में अवेयरनेस देनी, उनको ये बताना कि आप कैसे ऑर्गेनिक कर सकते हैं, कहाँ से आपको ऑर्गेनिक खाद मिलेगी, कहाँ से आपको ऑर्गेनिक दवाई मिलेगी, कहाँ आप इसको मार्केट करेंगे, ये सारा पर्पज़ इस मेले का है। हमने 3 दिन यहाँ सेमिनार और वर्कशॉप का भी आयोजन किया है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से आज इंसानों और पशुओं सभी में कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे जैविक खेती से टायर उत्पादों के उपयोग से रोका जा सकता है। आवश्यकता है तो सरकार, विभाग और आम किसानों में तालमेल और जागरूकता की। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सदस्यों ने पूर्व माकपा पार्षद मीरा कुमारी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नंदलाल को ज्ञापन देकर मांग की है कि नब बहार चौक से संजौली तक पैदल मार्ग बनाया जाए, ताकि लोग निर्भीक होकर इस पर चल सकें। इस सड़क पर तेज रफ्तार में बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं और अक्सर ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये जो नवहार में आप देखते हो, दो स्कूल वहाँ पर स्थापित है, कि चेल्सी और दूसरा एक छोटे बच्चों का स्कूल, और साथ में ये उद्यान विभाग का निदेशालय भी है। तो बहुत भारी संख्या में लोगों का वहाँ से आना जाना रहता है, और माताएं छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ से गुजरती हैं, और आप देखते हो कि बसेस में इतना रश, पीछे से बसेस भर के आती है, उसको बस में चढ़ने के लिए वहाँ किसी को जगह नहीं मिलती, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि पैदल हम वहाँ से जाएँ। लेकिन पैदल चलने का रास्ता वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, दो हाथ से वहाँ मतलब दो लोग जाने गंवा चुके हैं वहाँ पैदल चलने वाले यात्री। तो हमने ये मांग की है कि वहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वाला मार्ग जरूर जल्दी से जल्दी वहाँ पर बनाएं। इस मांग को लेकर के हमने ज्ञापन भी सौंपा है इंजीनियर। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस मंडी रैली की तैयारियों में जुटी, वीरभद्र को लेकर संशय बरकरार, वहीं कौल सिंह ठाकुर का होगा शक्ति प्रदर्शन। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराना गलत। वहीं रामलाल ठाकुर ने भी भाजपा पर किया पलटवार, कहा वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता से घबराई भाजपा। बिजली बोर्ड बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन, कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, करे समस्याओं का शीघ्र समाधान। शिमला में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की शुरुआत, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com। टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड हुज लीव्स रीच आउट टू द एंटायर स्काई, टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम अ सिंगल माइंड व्हिच रीचेस आउट टू द एंटायर वर्ल्ड एट इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.